तुसी देख रहे हो अज की आवाज़ से मैं गुरदेव सिंह पट्टी। अज सुल्तानपुर विखे गुरु नानक साहब का 506वां ब्याह पुरब मनाया जा रहा। इस बारे असी सुल्तानपुर के हलका इंचार्ज आप पार्टी के सरदार सज्जन सिंह चीमा जी नाल गलबात करांगे। पहला जी बधाइया चीमा साहब, तुहानू भी बहुत बहुत शुभ दिहाड़े ते बधाइया ते सारिया संगतां जिन्हें भी मेरे वीर टीवी चैनल देख रहे थे, बाकी सारे गुरु नानक नाम लेवा संगतां नूं लख लख वधाई। सर बाबे नानक दी ओट नाल तुहाडी पार्टी मौजूदा सरकार बनी है, इहदे च तुसीं की कीमत कर रहे हो हड़ पीड़तां दी ते अगे तों की करो? देखो दो तीन चीज़ां करन वालियां ने, एक ते जिन्हां दा नुकसान होया, फसलां दा नुकसान होया, मकानां दा नुकसान होया, कोई डंगर बछे दा नुकसान होया, सारिआं नूं सरदार भगवंत सिंह मान जी हुणां ने पहलां अनाउंस भी कीता मान सरकार जिहड़ी है उह मुआवजा देगी। और दूसरी गल है कि किन्नी देर तक आपां इहो जिहे हड़ जिहड़े झेलदे रहांगे, उहदे वास्ते सीएम साहब दे भी नोटिस है, मिनिस्टर मंत्री साहब दे भी, सैकटरी इरीगेशन उहनां दे भी ध्यान दे विच लिआंदा गया, और अगे तो पक्का इंतजाम होगा बंदां नूं मजबूत करके, प्लस अंदर जिहड़ा वो विचों मिट्टी रेता कट के डी सिल्टिंग करके इदां दा इंतजाम कीता जाऊगा कि अगे तो इहो जिहा काम ना होवे कि फसलां मारियां जाण, कदे हड़ ना आउण। सर इत्थे पंजाब दे विच बाहरलियां स्टेटां दे नौकरियां दित्तियां जा रहियां बच्चियां नूं, जिदा PCS होर लैवल दे, ते इह पंजाब च नहीं कोई बन सकदा PCS? देखो जी एवें बेकार मुद्दा जिहड़ा ओपोजिशन चक रही है, तुसीं देखो भी जे 400 बंदा भर्ती कीता ते जिहड़े आ बार्डरां दे उत्ते साडे ही पंजाबी भरा बैठे ने, ते जे उहनां दा बच्चा किते सिलैक्ट हो जांदा है ते कोई एड्डी वड्डी गल नहीं। साडे बच्चे भी बाहरले हिंदुस्तान नहीं छड्डो, तुसीं बाहरले कंट्रियां दे विच वड्डियां वड्डियां अहुदियां ते है, ते इहो जी जिहड़ा मुद्दा है इक समाज नूं पाड़न वाला मैं गल्लां कह सकदा जिहड़ियां बे मतलब दियां गल्लां ने, ते समाज नूं आपस विच वंड इक वितकरा पैदा करन वालियां गल्लां ने, मैं इहदे नाल बिल्कुल सहमत नहीं हां। अज दी नौजवान पीढ़ी नूं गुरु नानक साहिब दे विआह पुरब ते की संदेश देना चाहुंदे? देखो मैं अरदास भी करदा परमात्मा अगे, और मैं नौजवान पीढ़ी नूं जिहड़ा वो अपील करदा इस टाइम जो सब तो असी माड़ी गल है जिहड़ी पंजाब नूं कोड़ चंबड़िया वह है नशियां दा, ते मैं सारे पेरेंट्स नूं मैं अपील करदा कि बच्चियां नूं खेडां दा नशा लाओ, पढ़ाई दा नशा लाओ, इधर ध्यान दिओ। देखो जदों डिमांड है किसी चीज़ की सप्लाई बंद नहीं हो सकती, औखे सौखे किसी तरीके दे नाल उन्हां नूं समान जिहड़ा वह मिल जाता है। जिहड़ी सप्लाई डिमांड बंद करन वास्ते बच्चे मंगण ही ना, नफरत करना, उन्हां नूं जिहड़ा खेडां वाले पासे आपां ला दईए, उन्हां नूं जिस तरह मान सरकार नौकरियां दे रही है, नौकरियां लग जाण, कारोबार लग ते जिहड़ा वह शुरू कर देण, ते इहदे विच सब तो ज़्यादा जिम्मेवारी जिहड़ी है साढ़े पेरेंट्स की ते वड्डियां की जिम्मेवारी है, जिहड़े अपने बच्चों नूं सही रस्ते ते पाण, उन्हां नूं समझाण कि इत्थे देश विरोधी पंजाब विरोधी कौम विरोधी जिहड़ी है जनता तुरी फिरदी है, उन्हां तों अवेयर रहण। पिछले सियासतदानां ने बड़े दुख की गल है कि लाठियां वाल वर्गे, प्रतापगढ़ वर्गे, बूटां वर्गे सेंटर पैदा कर दिते, कोई कसूर नहीं किसी का, यह सारा तो सारा पिछलियां सरकारां दा कसूर है जिन्हां एक कोड़ चंबड़िया है, इहनू नशे जिहड़े ने दरिया बहाते, ते हुण जिस तरह तहैया कीता है साडे सरदार भगवंत सिंह मान जी ने, ते मैनूं आस है कि वह जिहड़ा नशे नूं कुछ समय दे विच ही इहदे ते पूरी तरह काबू पा लैणगे, ते पहलां वर्गा रंगला पंजाब जिहड़ा 82 दे विच नंबर एक स्टेट सी, असी एक स्टेट बना के मान सरकार जिहड़ी उह साधो। इह सन सरदार सज्जन सिंह चीमा जी हलका इंचार्ज आप बागू। वाहिगुरू का खालसा वाहिगुरू फतेह। की कहना चाहुंदे जी? मैं रेशम सिंह सेवादार गुरद्वारा गुरु नानक निवास मंगूपुर हुसैनपुर दुल्लोवाल गुरोवाल। ये अज गुरु नानक देव महाराज जी का 506वां विआह पुरब का
ये नगर कीर्तन है। बड़ी साढ़े वास्ते प्रसन्नता की गल है, खुशी की गल है कि साढ़े सिख धर्म के बानी साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज अज उन्होंने विआह पुरब की याद मनाई जा रही है। बड़े सालों तो यह परंपरा चली आ रही है, नगर कीर्तन आता है, सारिया संगत स्वागत करती हैं। ये उस समय की याद दवा है जब अज तो 536 साल पहला सुल्तानपुर लोधी की पावन धरती तो गुरु नानक देव महाराज अपने नाल भाई मरदाना जी इत्यादिक जेडे बहुत मुखी सिख सन उन्होंने नाल लैके सुल्तानपुर तो बटाले की धरती से माता सुलक्षणी जी ने विहन वास्ते गए। अज ये फिर इन्होंने समागम के नाल उस दिन की याद ताज़ा हो जाती है कि वह दृश्य किस तरह का होगा जो साडा बाबा नानक जो सारे का बाप है सांझा बाप है वो किहो जिहा वो घड़िया होणगियां किहो जिहा पल होणगे कि जदों गुरु नानक देव महाराज इस स्थान थावां उपर दी लंघ के बटाले पहुंचे होणगे माता सुलक्षणी जी नूं विहुण जो जगत माता है उसनूं विहुण गए होणगे। ये बिल्कुल ताज़ा हो जाती है याद, सारिया संगतां दे मन विच बड़ा उत्साह हुंदा है, हर कोई पुछदा रहिंदा है कि विआह पुरब कदों कौण वाला है। इत्थों बहुत बच्चे नौजवान वो इस नगर कीर्तन के शामिल भी होंगे, बड़ा चा है बड़ा उत्साह होंगे है। असी बड़े धनवादी हाँ अपने आपको धन भाग समझते हैं साडा कि असी उस स्थान पर हाँ जितों की गुरु नानक देव महाराज माता सुलक्षणी विहुण रस्ते गए असी उत्थे स्थित हैं। तो सानू हर साल संगत की चरण धूर नसीब होंगी है। विआह पुरब से कितों कितों संगत आ रही है? विआह पुरब से बटाला तो मेन जिते जितों गुरु नानक देव महाराज मूल चंद जी की सपुत्री बीबी सुलक्षणी विहुण गए उतों भी संगत एक दिन पहला ही गुरद्वारा श्री बेर साहब सुल्तानपुर लोधी पहुँच जाती है। होर बड़िया इतने साढ़े पिंड भी सैदपुर टिब्बा तो लागे लागे नूरोवाल तो इन्हों सारे नेड़े पिंड तो सारी संगत इतने एकत्र हो जाती है। बड़ा वड्डा तुसीं वेख्या उत्साह है संगतां दे विच, हर कोई इस नगर कीर्तन का हिस्सा बनना चाहता है, भावें वह दर्शन करके भावें नाल जाके हर कोई अपने आप को वड्या भागां वाला धन भाग समझता है इस दे विच शामिल होके। विआह पुरब के दौरान तुसीं अज दी नौजवान पीढ़ी नूं की संदेश देना चाहते? मैं थोड़ा जिहा यह भी सोचता हाँ कि कई बार ना नौजवानों के मन में भावना होंगी है कि बाबे नानक की बराते चले। मैं ये बेनती करना चाहता हाँ तुहाडे माध्यम के राही भी इस भावना इस तरह नहीं लेना चाहिए। गुरु नानक साडे सारे जगत का प्यो है, माता सुलक्षणी सारे सिख जगत की माँ है। इस करके भी कभी भी बच्चा अपने प्यो की बराते नहीं जाता, कभी भी बच्चा अपनी माँ नूं विआह नहीं जाता। इस करके भावना यह नहीं लेनी चाहिए कि असीं बाबे नानक दी बराते चले आ। हाँ ये है कि असीं गुरु नानक देव महाराज के विआह पुरब की याद ताजी करनी चाहिए, असीं उस याद नूं समर्पित आ। मैं अगे भी बेनती की कि वह दृश्य सिरजना हुंदा है कि किस तरह गुरु नानक देव महाराज की बरात चली होगी, उहदे विच कौन कौन शामिल सन, अंतर ध्यान होकर वह वेखण वाली महसूस करन वाली गल है। ये सन सरदार रेशम सिंह जी जेडे के पिंड मंगूपुर के जहदार जी ने, इन्होंने बहुत वधिया बात सुनाई गलबात की। रूबरू होवांगे सरदार स्वर्ण सिंह जी नाल। सत श्री अकाल जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी स्वागत है ताडा जी। वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। अज गुरु नानक साहब का माता जी के जेडे विआह पुरब न संबंधित जरा है नगर कीर्तन सुल्तानपुर की पवित्र धरती तो आरंभ होके बटाला साहब की पवित्र धरती में जरा रवाना होया वा, बहुत ही चाहो जलाल के नाल जड़िया संगत शामिल हो रही। तो मैं गुरु साहब के जरा याद को समर्पित विआह याद को समर्पित जरा नगर के समुचिया संगतान बहुत बहुत मुबारकबाद दिना और बेनती करदा कि गुरु साहब के जरा सानू संदेश दिता किरत करो नाम जपो बन सको उससे सानू चल के अपना जरा जीवन है सफला करना चाहिए। गुरु साहब ने उस वक्त जरा एक मनपा सी जो जंगलों से जाके जो ग्रिस्त तो दूर दौड़ते थे उन्होंने एक सीध इंडिकेशन की भी जे असी ग्रिस्त आश्रम के नाल भी जरा भावसा गिराज पार कर सकते हैं
उन्होंने उस वे लुकाई में जी सेध दी जी कि हैगा जी साढ़े वास्ते जो सारा ही बहुत ही वधिया हैगी आ। तो मैं अज संगत जोत ही रोचक रोज के नाल सवेरे 6 बजे जरा नगर कीर्तन आरंभ होया श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब के समुचे मैंबर साहबान जोड़े थे उस वे हाजिर थे और जोड़ा नगर कीर्तन आरंभ करा के गए आ। कल जो बटाले की धरती के उत्ते जोड़ा है ये जो फंक्शन हैगा वा गुरु साहब के विह पुरु समर्पित जोड़ा है वा वो बड़े जोशो जोश में मनाया जा रहा। तो परमात्मा अगे अरदास हैगी परमात्मा कृपा करे समुची साध संगत कृपा असि शब्द गुरु के लड़ लग के जोड़ा है वा अपना जीवन सफलता सफला कर सकी। जो मनमत हैगी जोड़ा ये तो अजकल सिक्की से हमले हो रहे हैं असी सुचेत होइए अपने शब्द गुरु जोड़ा है अपने जीवन जांच के पाइए। वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी का। अब ये नौजवान मैं सारे नौजवानों को बेनती करता प्यारे बच्चे जेड़ा जीवन हैगा ये अनमुला वा भी आप मनुखे जामे दे विच आए हैगे आ। जे गुरु साहब की जी है शब्द गुरु तो जो सेध लोगे तो ये जरा जिंदगी दे विच जेड़ा गुरु साहब ने उस वे किरत करो नाम जपो वन सको का संदेश दिता सीगा जे असीं उसनू अपनावांगे तो जिंदगी दे विच तरक्कियां तरक्कियां क्योंकि सिख जिहड़ा हैगा वह मानसिक तौर पर जो पांच ककार जिहड़ा धारण करता वा शब्द गुरु नू धारण करता हैगा तो जिंदगी दियां मानसिक तौर पर भी इकोनॉमिक तौर पर भी जो जिंदगी की जो बुलंदी है जो लगता है वा। धन्यवाद ये सानू सरदार सवंत सिंह जी मैं सब समुची संगत नूं लख लख वधाई देना गुरु नानक साहब जी के जन्मदिन की बहुत बहुत महाराज का शुक्र करदा कि बड़ी संगतां दे विच बड़ा उत्साह वा बहुत मतलब संगतां जिहड़ियां वा खुश आ सवेर तो तड़के तो 6 बजे आरंभ हो गया नगर कीर्तन से बड़े आप दे प्रेम नाल महाराज ते गुरु नानक साहब की वडियाई करदी नहीं थकदी संगत इस करके मैं सब संगत नूं चढ़दी कला दे संदेश दिंदा कि बाणी बाणे दे नाल जुड़ो अमृत छको गुरु वाले बनो ते अपना जीवन जिहड़ा बाणी बाण के सफल करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा और फतह। अज गुरु नानक देव जी का 536वां विआह पुरब मनाया जा रहा जिहड़ा नगर कीर्तन सुल्तानपुर लोधी तो शुरुआत हो के जिते गुरु नानक साहब जी की चरण छो धरती आ ते बटाले लई हर साल असी ये मनाने विआह पुरब उन्हां दा पंजाब दे विच ते पंजाब तो बाहर देशां विदेशां च वसदे सारे गुरु नानक नाम लेवा संगतां नूं मैं इस दिहाड़े की बहुत बहुत बधाई। जिन्ना आनंद इस दिहाड़े ते आउंदा ते मैं खुशकिस्मत हाँ जिहड़ी गुरु साहब की कृपा हुई इस सुल्तानपुर लोधी हल्के तो मैनू MLA बनने का मौका मिलिया भी उन्हां दी कृपा दे नाल ते इस दिहाड़े दे विच इन्हां खुशियां दे विच मैनू जिहड़ा ये खुशियां आनंद मानने का मौका मिले महाराज की कृपा बाबा जी नानक जी कृपा नाल तुसीं काम भी पा रहे हो हर पीड़ा की वध तो वध मदद की आपके कोलों ते गाह करते रहोगे तुसीं गुरु साहब कराउणगे ताही उह सालिया बंदा कुछ नहीं कर सकदा। तुसीं जुड़ चुके अज दी आवाज़ नाल मैं गुरदीप सिंह पट्टी अज गुरु नानक साहब के विआह पुरब ते इत्थे असीं दर्शन करन आए ते नाले संगतां दे विचार वटांदरा करन आए हां ते गुरु नानक साहब की कृपा नाल अज जोगा सिंह कालके तो जिन्हें कि सीनियर अकाली आगू ने उन्होंने चाह बदाने का लंगर लाया तो उन्होंने बधाई भी देने जोगा सिंह जी बधाई हो साहब नानक लेवा साहब संगत को साहब श्री गुरु नानक देव जी के विआह पुरब की लख लख बधाई तो सारिया संगत ने सवेर तो कल शाम तो ही बहुत साहब श्री गुरु नानक देव जी के गुरद्वारा श्री बेर साहब पहुँच के हाजरियां भरिया वा सब नानक लेवा साहब संगत को लख लख बधाई हो विआह पुरब की। सर एक किनवा विआह पुरब है जी ये जी साहब श्री गुरु नानक देव जी का 567वां विआह पुरब है ये सारिया संगत बहुत उत्साह वा कि संगत हुम हुमा के साहब श्री गुरु नानक देव जी बटाला साहब रवाना हुई वा ये सब संगत बहुत बहुत बधाई हो संगत कितों कितों आ रही ने
समूह देखो जी जे आप कही पूरे पंजाब चो नहीं जिथों जिथों भी गुरु नानक लेवा साहब संगत हैगी वसदी है साहब श्री गुरु नानक प्यार करने वाले बड़े दूर दूर तो संगत कल तो ही आके गुरद्वारा श्री बीर साहब पहुंची हुई है। सर तुम इन्ह दिन मेला कराते हो मेले दैयारियां कि रेट देखो जी वो हर साल की तरह इस साल भी बहुत हुम हुमा के जोड़ा मेला मनाया जा रहा जिंकी डेट हैगी 30-1 अक्टूबर ते जेड़े पंजाब के नामवर कलाकार गुलरेज अख्तर जी सुरजीत खान जी माशा अली हरजीत हरमन जी खान ते दूजा हरजीत हरमन जी बहुत ज्यादा पंजाबी कलाकार जिन्हें नामवर वो सारे पहुँच रहे हैं तो रात 30 तरीक न कवाल दे जेड़े हो गए रात 30 कवाल लगन गए। सर कबड्डी शो मैच दे विच केड़े केड़े नाम रखे थे फस्ट प्राइज जेड़ा जी ये शो मैच हैगा कबड्डी का फस्ट प्राइज हैगा 71,000 सैकंड हैगा 61,000 ते जिहड़ा लड़कियां दा 31,000 21,000 ते जिहड़ा पहलवाना दा बेस्ट जिहड़ा पहलवान आएगा पटके ते उहनू मोटरसाइकिल दे नाल सम्मानित कीता जाऊगा सैकंड नू 41,000 रुपया दिता जाएगा। अज दी नौजवान पीढ़ी नू तुसीं की कहना चाहुंदे हो नशियां दा हाड़ वग रिहा की कहना चाहुंदे? देखो जी जिथे भी पिंडां दे विच मेले हुंदे अपने बच्चे नू लैके पहुंचिया करो इन्हां नू पता लगे भी जे खेड दे नाल कुछ ना कुछ आपां नशे तों मुक्ति इन्हां नू निजात दवा सकदे आ क्योंकि अज दा जिहड़ा हुण 6वां दरिया साडा नशियां दे विच बच्चियां नू लई जा रहा वा ये तो जागृति पेरेंट्स नू करनी पैनी आ भी अपने बच्चियां दी आपां देख रेख करिए क्योंकि माड़ी संगत तों बचाया जावे इन्हां नू। ये सन सरदार जोगा सिंह जी जिन्हां ने बहुत वधिया व्याहपुर बारे चानना पाया ते मैं अज सरदार जी नाल गलबात करांगे की कहना चाहुंदे हो व्याहपुर वधाई होवे बहुत दूर तो संगत आईया सी साडे मैनेजर साहब दा बहुत बहुत धन्नवाद जिन्होंने पूरे टाइम से नगर कीर्तन की पाला की नगर से टाइम से लेके जा रहे। हाँ जी तुम व्याहपुर वधाइयां देनिया चाहते हो बधाई? हाँ जी हाँ जी वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह गुरु नानक लेवा नाम लेवा सब संगतान लख लख वधाई हो जी गुरसूर जी लख लख वधाई हो लख लख। अज की आवाज तुम देख रहे हो कपूरथला तो सुल्तानपुर तो मैं गुरदेव सिंह पट्टी कैमरामैन रणजीत सिंह।